बॉलीवुड में सनी देओल को एक एक्शन हीरो के तौर पर जाना जाता है, जो रोमांस के मामले में थोड़ा सा शर्माते हैं। हमेशा अपने वजनदार डायलॉग्स और दमदार एक्शन को लेकर चर्चा में रहे सनी देओल की लव लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोगों को बस यही पता है कि एक समय पर उनका और डिम्पल कपाड़िया का रिश्ता काफी गहरा था। दोनों लोग एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इस प्रेम कहानी का दुखद ही हुआ। पहले से शादीशुदा सनी ने घर वालों के समझाने के बाद डिम्पल से रिश्ता तोड़ लिया और जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन क्या आपको पता है कि डिम्पल कपाड़िया वो पहली हीरोइन नहीं थी जो सनी की जिंदगी में आई थी। सनी देओल का दिल जिस बॉलीवुड अदाकारा के लिए पहली बार धड़का था, वो कोई और नहीं बल्कि उनकी पहली हीरोइन अमृता सिंह ही थी। अमृता सिंह के साथ फिल्म बेताब में काम करते करते सनी के दिल में उनके लिए प्यार जग गया था। इस समय की चिंगारी को सहारा तब मिला जब अमृता का दिल भी सनी के लिए धड़कने लगा था। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो से गए थे, लेकिन जब इस बात का पता सनी के घर वालों को चला तो भूचाल आ गया। खबरों के अनुसार सनी देओल अपने डेब्यू से पहले ही शादी कर चुके थे, लेकिन उस समय उनके पिता धर्मेंद्र के कहने पर इस खबर को मीडिया में रिवील नहीं किया गया था। बताया जाता है कि धर्मजी नहीं चाहते थे कि सनी के डेब्यू से पहले ये खबर लोगों के बीच फैले। उनके अनुसार इससे सनी की फैन फॉलोइंग पर असर हो सकता है। इसी कारण अमृता को भी ये बात नहीं पता थी, लेकिन जैसे जैसे प्यार गहराता गया वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती गई। जब इस बात का पता दोनों के परिवार वालों को चला तो दोनों पर एक दूसरे के साथ रिश्ता खत्म करने का दबाव आने लगा। अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्ताना पहले से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी। जब सनी देओल की मां को इस बात की खबर मिली तो वो भी सनी से काफी नाराज हुई। सनी की शादी की बात भले दुनिया वालों को नहीं पता थी, लेकिन उनकी माँ प्रकाश कौर इस बात से अनजान नहीं थी। अपनी मां को समझाने के बाद उन्होंने अमृता सिंह से दूरियां बढ़ाना शुरू कर दी। जब सनी की शादी की बात अमृता को उड़ते उड़ते मिली तो उन्होंने खुद ही सनी से रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद अमृता का नाम क्रिकेटर रवि शास्त्री से जुड़ा, लेकिन उस प्रेम कहानी का अंत भी बुरा ही हुआ। बाद में अमृता सिंह ने सैफ अली खान से शादी करके अपना घर बसाया, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद सैफ और अमृता का भी तलाक हो गया। न्यूज रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।